पानपुरी करेंगे, जहां पर पूर्व विधायक अजय कपूर ने सफाई दी है। दरअसल अजय कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में अजय कपूर सीएम के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे। आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपों का खंडन किया है। पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। गैजेस क्लब में हुई इस वार्ता में पूर्व विधायक अजय कपूर ने बताया कि जबरन उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका मैं शिकार हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं, धार्मिक दृष्टि से वो मेरे लिए आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राजनीतिक दृष्टि से वो प्रदेश के मुखिया हैं और मेरे संरक्षक हैं। लगभग 20 साल पहले मैंने अपने परिवार के साथ गोरखपुर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसे में मैं उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ, और किसी को ठेस अगर पहुंची हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही इस प्रकरण में जांच की भी मांग करता हूँ। जो मेरे गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन पर मैं अपनी राजनीतिक गतिविधियां और जीवन को यापन करता हूँ, मैं उन्हें पता चला एक चैनल मालिक दो एक टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और ये जो आजकल के फोनिक समाचार के माध्यम से मेरी छवि खराब करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। उसमें मैं अपनी जो मेरी भावना है, उस भावना को लोगों ने ठेस पहुंचाई, उसी के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखपीठ के महंत हैं, धार्मिक दृष्टि से भी मेरे आदरणीय हैं, वैसे भी मेरे पूजनीय हैं, और वो प्रदेश में जिनको कुछ लेना नहीं है, केवल देना ही देना है राजनीतिक दृष्टि से, उनके खिलाफ टिप्पणी करना मेरे जैसे व्यक्ति का कोई वो दायित्व नहीं है। का मुकदमा ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल व्यक्तिगत छवि को ठेस पहुंचाने की, मुझे ठेस पहुंची उसके लिए है। और उसमें अगर इसमें लोगों को भी ठेस पहुंच सकती है, अगर ये बात सच माने तो, जिनको ठेस पहुंचेगी उससे मैं क्षमा मांगूंगा कि वो मेरी वजह से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।